आज हम बनाएंगे मालपुआ। इसको बनाने के लिए एक बाउल में गेहूं का आटा, आधा कप मिल्क क्रीम, आधा गिलास मिल्क लेंगे दूध। और अब एक बर्तन में गेहूं के आटे को लेकर इसमें सबसे पहले जो आधा गिलास हमने दूध लिया उसको धीरे धीरे डालेंगे, और थोड़ी सी जो क्रीम ली थी हमने वो हम डाल लेंगे इसमें। और अब इसको धीरे धीरे मिलाएंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हमें इन्हें डालना है, नहीं तो ये एकदम से पतला पेस्ट बन जाएगा। अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे, और थोड़ा सा जो मीठा सोडा वो डाल देंगे हम इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिक्सर को मिला लेंगे। और इसमें जब मिक्सर मिलाएंगे तो हमें एक तरफ घुमाते हुए इसे मिलाना है। अब हम एक बाउल चीनी लेकर एक बर्तन में उसमें आधा गिलास के करीब हम पानी डालेंगे, और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हम इसे गैस पर रखेंगे और इसको थोड़ी देर तक उबालेंगे, जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी चाशनी नहीं बन जाती। अब हम जो मालपुए हैं उनको तल लेते हैं। हमने डालडा घी लिया है इसमें, और हम इसको ये देखिए हमने थोड़ा सा चम्मच से पेस्ट डाला है। हमारा जो घी है वो बढ़िया तैयार हो गया है। अब हम इसे मालपुए तल सकते हैं आराम से। ये मैंने एक साथ 3 मालपुए डाल दिए हैं इसमें। हम इसमें जो कढ़ाई की चौड़ाई है उसके हिसाब से इसमें मालपुए जो है वो डाल सकते हैं, और इनको दोनों तरफ से पलट के हम अच्छी तरह से तल लेंगे। बीच में से कच्चा नहीं रहना चाहिए। गैस को सिम करके हमें इसे तलना है, और अब इसको हम थोड़ी देर रखने के बाद चाशनी में रख देंगे। चाशनी में हमें 15-20 मिनट के लिए हमें इसे रखना है ताकि मीठे हो जाए। ये देखिए हमने ये चाशनी से बाहर निकाल लिए।